जय हिंद दोस्तों। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जो हिंसा भड़की थी उसके ऊपर अभी तक किसी को भी आरोपित सिद्ध नहीं किया गया है पूर्ण रूप से कि भाई वो हिंसा किसने भड़काई थी, क्यों भड़काई थी, क्या उद्देश्य था, कौन लोगों को टारगेट किया गया था, क्यों टारगेट किया गया था। और सबसे बड़ी बात, जो उस राज्य की मुख्यमंत्री हैं वही इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं कर रही, मतलब इस चीज़ को मान नहीं रही। एक बार उन्होंने ये चीज़ ज़रूर कह दी थी कि भैया जो भी 16 लोगों की मृत्यु हुई है उन सभी को हम 2-2 लाख रुपए देंगे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जो बंगाल हाई कोर्ट है उसको उसमें जब उन्होंने अपनी बात रखी, जब बंगाल हाई कोर्ट ने उनके ऊपर रिपोर्ट मांगने का दबाव बनाया कि आप हमें रिपोर्ट दीजिए, तब वहाँ पर ममता बनर्जी ने कहा कि नहीं भैया ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। और उलटा मैं क्या बताऊँ, वहाँ के हाई कोर्ट ने भी उनको कह दिया कि नहीं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। चलो ठीक है भाई, हाई कोर्ट ने कहा है, कुछ सोच के ही कहा होगा, उनकी बात को तो हम काट नहीं सकते, नहीं तो कोर्ट की अवमानना हो जाएगी। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में जो वहाँ के गवर्नर हैं जगदीप जी, वो जो भी हिंसा प्रभावित क्षेत्र हैं उन सभी जगहों का दौरा कर रहे हैं। अब देखिए, एक राज्य के गवर्नर होने के नाते उनके पास ये अधिकार हैं कि वो जा सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि ममता बनर्जी तो गई नहीं हिंसा पीड़ितों के पास, गवर्नर जा रहे हैं तो ममता बनर्जी को उसमें भी परेशानी हो रही। वो बोल रही हैं कि भाई ये अधिकारियों को डायरेक्ट आदेश दे रहे हैं जिसका कि उनको पहले ही मना करके रखा हुआ है। लेकिन बात दरअसल वही थी कि गवर्नर जब वहाँ पहुँचे ना तो असली पोल पट्टियाँ वहीं खुलना शुरू हो गए, ना तो NCW मतलब वुमेन कमीशन वाले जो आए थे ना तो उनको ढंग से मिलने दिया गया, जो जांच कमेटी आई थी केंद्र सरकार की ना ही उनको सही से काम करने दिया गया। तो इस चक्कर में कुछ भी ठीक ठीक तरीके से पूर्ण रूप से सामने आ ही नहीं पाया। तो आखिरी में पूरा काम ले लिया जो गवर्नर हैं जगदीप जी, उन्होंने अपने हाथ में कि भैया मुझे ही करना पड़ेगा तो इसलिए मुझको ही ये सब चीज़ें टेक केयर करनी है। जब वो इन सब हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में पहुँचे तो असली बात निकल कर सामने आना शुरू हुई। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद भड़की हिंसा के पीड़ितों का हाल जानने के लिए राज्यपाल जगदीप धनखड़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर हैं। उन्होंने गुरुवार को कूचबिहार के हिंसा प्रभावित इलाकों का जायजा लिया था। शुक्रवार को मतलब 14 मई को वे पड़ोसी राज्य असम पहुंचे, क्योंकि सुनने में आया था कि कई लोग हिंसा के बाद घर छोड़कर मजबूरन सैकड़ों की संख्या में असम के राहत शिविरों में शरण लेके बैठे हैं। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने रणपगली में बने कैंप में पीड़ितों से मुलाकात करी, जहां कई लोगों ने उन्हें अपना दर्द बताया। इस दौरान कई महिलाएं इतना भावुक हो गईं कि वे राज्यपाल के पांव से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। एक बुजुर्ग उनसे लिपट कर रोने लगी। इसके बाद राज्यपाल कोकराझोर के श्रीरामपुर कैंप में पहुंचे। दोनों ही जगह बंगाल से सटी हुई। इसको लेकर NB Times ने भी एक ट्वीट किया था, नवभारत टाइम्स ने, उन्होंने लिखा था कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने रणपगली में कैंप का दौरा किया और लोगों से मुलाकात करी। चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा की वजह से यहां कुछ लोगों ने शरण लेकर रखी। पीड़ितों से हुई मुलाकात के बाद राज्यपाल ने अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने प्रेस से बात करते हुए कहा, लोगों के घर किस तरीके से बर्बाद हुए, व्यापारी संस्थानों का क्या हाल किया गया, ये सब एक ही कारण से किया गया है कि दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र में आपने इतनी बड़ी हिमाकत क्यों कर ली कि आपने अपनी मर्जी से वोट दे दिया। क्या प्रजातंत्र में वोट देने की सज़ा मौत है? लोगों के घर किस तरह से बर्बाद किया गया ये तो हम सभी ने कई सारी जगहों पर देखा था, लेकिन इस तरीके से ये चीज़ें बाहर आएंगी ये हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। बता दें कि गुरुवार को राज्यपाल ने बंगाल के मायाभंगा सीताकुलची सिताई और दीनहाट का दौरा किया था। इस दौरान वे पीड़ितों से उनके परिजनों से मिले। हालांकि बीच में कई जगह उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा, जैसे सीताकुलची में वहाँ पहुँचे तो उनको वहाँ पर काले झंडे दिखाए गए। उनके अलावा कूचबिहार जिले के दीनहाट में भी वापस जाने की नाराबाजी हुई। यहाँ तो दर्जन भर लोगों ने पोस्टर लगाकर नारा भी दिया कि भाजपा के राज्यपाल वापस जाओ। जगदीप धनखड़ ने सारा नज़ारा देखकर कहा कि मैं हैरान हूँ कि विधि का शासन पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। इसके बाद पुलिस ने सभी लोगों को मौके से भगाया। बाद में राज्यपाल ने हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात करने के बाद कहा कि मैंने लोगों की आंखों में डर देखा है और थाने जाकर शिकायत करने से भी लोग डर रहे हैं। उन्होंने पीड़ितों का हाल देखकर कहा, घर लूट लिए गए हैं, बेटी के ब्याह के लिए रखे गए गहने, श्राद्ध के लिए रखे बर्तन और अन्य चीज़ें भी लूट ली गई हैं। उन्होंने रास्ते में जगह जगह हुए विरोध को देखकर कहा, मैं किसी भी परिस्थिति में बिना किसी रुकावट और विचलित हुए बिना अपना संवैधानिक कर्तव्य का निर्वहन करूँगा। उल्लेखनीय है कि बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी ने राज्यपाल के दौरों को लेकर आपत्ति जताई थी। उन्होंने राज्यपाल पर राजनीतिक मर्यादाओं के उल्लंघन का आरोप लगाया था। गवर्नर के कूचबिहार दौरे को लेकर भी उन्होंने कहा था कि वे नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, राज्यपाल अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले 10 मई को धनखड़ ने कहा था कि राज्य के हालात बेहद चिंताजनक हैं, राजनीतिक बदले की हिंसा, आगजनी, लूट की घटनाएं, डराने धमकाने और जबरन वसूली तक पहुंच गई हैं। उन्होंने प्रभावित इलाकों में जाने की जानकारी देते हुए कहा था कि इसमें राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है। उन्होंने कहा था कि अपने संवैधानिक दायित्वों के तहत मैंने प्रभावित इलाकों का दौरा करने का फैसला किया है। इस संबंध में राज्य सरकार से आवश्यक इंतजाम करने को कहें, लेकिन राज्य सरकार की प्रतिक्रिया बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 2 मई को TMC की जीत सुनिश्चित होते ही हिंसा भड़क उठी थी।
विपक्षी दलों खासकर के बीजेपी के कार्यकर्ता उनके घर और दफ्तरों को निशाना बनाया गया था। हिंसा का आरोप सत्ताधारी टीएमसी के गुंडों पर है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी पिछले दिनों राजनीतिक हिंसा में अलग अलग दलों के 16 लोगों की मौत की बात को स्वीकार किया था। लेकिन यहाँ पे बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। बात दरअसल ये है कि क्या सिर्फ लोगों की मौत को स्वीकार कर लेने से ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जो जिम्मेदारी है वो खत्म हो जाती है? क्योंकि मुझको ऐसा सरासर नहीं लगता है। उनकी जिम्मेदारी एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में अभी जो बात सामने आई है कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि जो एक अमाउंट बांटा जाना था उसको लेकर, सबसे पहले तो इस बात के ऊपर खींचातानी चल रही थी कि भाई कौन ये पैसा देगा। ममता बनर्जी जो कि राज्य सरकार की चीफ मिनिस्टर हैं, उनका ये कहना था कि ये पूरा पैसा आप राज्य सरकार को दे दें, उसके बाद हम लोग किसानों को बांट देंगे। वहीं केंद्र सरकार जिसके कि हेड नरेंद्र मोदी हैं, उनका कहना था कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, जैसा कि बाकी राज्यों में किया जा रहा है हम वैसा ही करेंगे। आप हमें किसानों का डेटा अवेलेबल करवाइए और हम डायरेक्ट उनके खातों में पैसा डालेंगे, हम राज्य सरकार को नहीं देंगे। सीधी सी बात है, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कदम उठाया गया है, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि राज्य सरकारों के पास जब पैसा जाता है तो वो पैसा किसान तक उस तरीके से नहीं पहुंच पाता। इसलिए केंद्र सरकार ने ये पूरा जनधन खातों का जो काम शुरू हुआ था उसके बाद से ये पूरा काम अपने अंडर में ले लिया है। लेकिन ये जो डेटा था, किसानों का डेटा, वो ममता बनर्जी की सरकार केंद्र सरकार को सौंप नहीं रही थी, इसलिए अभी तक बंगाल के किसानों को किसान सम्मान निधि का जो फ़ायदा पहुंचना चाहिए था वो अभी तक नहीं पहुंच सका है। तो इसी के मद्देनज़र अब जब ये किसान सम्मान निधि उन तक पहुंच गई है तो किसानों को भी बहुत राहत है, लेकिन वहां पर भी ममता बनर्जी को एक अड़चन है। ममता बनर्जी का कहना है कि अभी भी ढंग से पूरा पैसा जो है वो ट्रांसफ़र नहीं किया गया है, किसानों को परेशानी हो रही है, 10 तरह की बातें उन्होंने करी, लेकिन इसमें वो ये नहीं देख रही हैं कि जो चीज़ें उनको करनी चाहिए, जो चीज़ उनका दायित्व में आती है, जो चीज़ उनके उनके पावर में आती है, उनके कंट्रोल में आती है, उन चीज़ों की तरफ वो क्यों ध्यान नहीं दे रही। जब तक आप दूसरे के ऊपर ही दोषारोपण करते रहोगे, आप दूसरे को ही उंगली दिखाते रहोगे, तब तक आखिर आप किस तरीके से इन चीज़ों को हैंडल करोगे, ये चीज़ समझ से पूरी परी है। क्योंकि आपके ऊपर एक पूरे राज्य का दायित्व है और अगर आप इस तरीके से बिहेव करते हो तो जाहिर सी बात है उंगलियां आपके ऊपर उठने लगेंगी, और अगर ये उंगलियां ना उठें सबसे बड़ी बात यही हो जाती है फिर से घूम फिर कर कि आखिर क्यों ना उठें। भाई लोग ऐसा नहीं है कि आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, लोग आपका सपोर्ट कर रहे हैं इसीलिए आप जीते हो। लेकिन जीतने के बाद भी अगर आप लोगों का जो एक राइट है, जो उनका अधिकार है, वो उन तक नहीं पहुंचने दे रहे हो, उनको उससे मतलब उससे उनको दूर रख रहे हो, तो फिर ये कैसी राजनीति है? ये राजनीति नहीं बल्कि ये शोषण ही कहलाता है, और मैं इसको शोषण ही कहूँगा। अब ममता बनर्जी इसको लेकर क्या करती हैं, क्या सोचती हैं, क्या उनका विचार है, क्या उनके इरादे हैं, ये चीज़ समझ से बिल्कुल परे। अब देखना होगा कि आगे राज्यपाल का जो ये दौरा हुआ है उसको लेकर क्या और खुलासे होते हैं, क्योंकि इन खुलासों के बाद जो कि राज्यपाल के दौरे के बाद हो रहे हैं, ममता बनर्जी का फंसना तो निश्चित समझ में आ रहा है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।